हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने से पहले हम आपको इक्वेशन डिफाइन करेंगे। बेटा, इक्वेशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? तो हम बताना चाहेंगे, इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन विच हैज यूनिक सोल्यूशन। इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं। तो हम कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन Having unique solution is known as quadratic, is known as equation, is known as equation। अब बच्चों, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यूनिक सोल्यूशन क्या है। बेटा, यूनिक मीन्स होता है डेफिनेट, अद्वितीय, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके डेफिनेट सोल्यूशंस होते हैं उसको हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 2x-3=0। तो बेटा, इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन वन होंगे, क्योंकि बेटा इसकी डिग्री वन है। इसकी डिग्री बेटा क्या है? इसकी डिग्री है वन। इट इज लीनियर इक्वेशन, इट इज लीनियर इक्वेशन, एक्स इक्वल टू 3/2। तो बेटा, इस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया है वो आया 3/2। 3/2 इज यूनिक। 3/2 के अलावा इस इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा। इसको हम जीरोज या रूट्स भी कहते हैं। ये लीनियर आपकी इक्वेशन हो गई। ऐसे ही लास्ट क्लास में आपने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने आइडेंटिटी पर बेस पढ़ी होंगी। जैसे बेटा लिखा है x²-4=0। बेटा, इसकी डिग्री है 2। तो 2 डिग्री की जो इक्वेशन होती है उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हम बात करते हैं इसके फैक्टर की, तो बेटा x²-2², 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2²=0। अब इसमें आइडेंटिटी a²-b² यूज करेंगे तो फैक्टर्स आएंगे x-2 x+2=0। तो बेटा, यहां पर x की वन वैल्यू क्या होगी? x-2=0 लेने पर बेटा 2 आएगी। x+2=0 लेने पर बेटा इसकी वैल्यू आएगी -2। तो देखिए, इसकी डिग्री 1 थी तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 था। जितनी डिग्री होती उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। बेटा, यहां पर इसकी डिग्री क्या है बेटा? 2 है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा क्या हो गए? 2 हो गए। तो हम कह सकते हैं यहां पर x दे रहा 2 वैल्यूज ऑफ x। फर्स्ट वन x=-2 and +2। तो आप लोगों को आई थिंक इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल होता है जिसके डेफिनेट सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू मैंने आप लोगों को इक्वेशन की डेफिनेशन समझाने का प्रयास किया। अब हम आपको बताते हैं जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक मींस
second degree. Quadratic means second degree. तो quadratic equation का मतलब ऐसी equation जिसकी degree 2 हो. And equation having degree 2. Degree 2 is known as quadratic equation. 2 degree का जो बेटा equation होता है उसको हम कहते हैं quadratic equation. अब class 10th के syllabus में quadratic equation of trinomial से starting होती है. Quadratic equation of trinomial. अब आप कहेंगे सर trinomial क्या है? Trinomial means ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो एंड एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स. 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल एंड सो ऑन. तो आपके सिलेबस में जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये बेटा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ वेरिएबल 1. इसमें बेटा एक्स जो है आपका वेरिएबल है. वेरिएबल को बेटा हम अननोन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? अननोन. जो अननोन होता है उसी का सलूशन हम फाइंड करते हैं. एक्स वेरिएबल है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, एक्स के सलूशंस निकालेंगे जिनको हम जीरोज या रूट्स भी कहते हैं. और इसमें जो बेटा ए बी सी हैं, ए बी सी इनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स. क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट्स कहते हैं. ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं. इन कांस्टेंट्स की भी नेमिंग की गई है. ए को कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ए को क्या कहते हैं बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट जो हम वेरिएबल टर्म के साथ में जो नंबर या कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिखा होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं. ये नोन कहलाते हैं. नोन इनकी वैल्यू हमें पता होती है. बी क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. बेटा जो आपका सी है, इस सी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट टर्म. सी आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट टर्म या फ्री टर्म, या फिर बेटा इसको हम कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं. तो बेटा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में एक्स आपका वेरिएबल है, अननोन कहलाता है, ए बी सी आपके कांस्टेंट है, ए को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं, बी को कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहते हैं, और बेटा सी जो है ये आपका है कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म या फिर बेटा इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट टर्म. इंडिपेंडेंट क्यों इसको कहा गया? क्योंकि ये वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है. इस टर्म की डिग्री 0 होती है क्योंकि c को आप लिख सकते हैं c इंटू एक्स टू द पावर 0. क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर बेटा 0 है तो वो आपका 1 आता है. इसको अगेन हम c ही लिखेंगे.
इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ए और बी के साथ वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, तो ये वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट है, ये वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया कि इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और आपके सिलेबस में जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिफाइन किया। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² - 5x + 3 = 0, x² - x - 6 = 0, 4 - x² = 0, x² - 9 = 0 etc. These are the examples of quadratic equation. तो I think आपको इतना introduction part समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात आती है कि अगर equation है तो उनके solutions भी होंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए आपने लास्ट क्लासेस में एक रूल पढ़ा, स्प्लिटिंग ऑफ पीरियड टर्म। आप लोग टू मेथड्स और पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्री ध्राचार फार्मूला को बेटा सॉल्व कर सकते हैं और किनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म है जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता करते हैं कि इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है। बेटा डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म है जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, टर्म है जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशियंट में रिलेशन होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशियंट में रिलेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशियंट बेटा क्या है, स्मॉल ए बी सी, इनमें रिलेशन क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा ये डी की डेफिनेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको याद कर लीजिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सोल्यूशन या फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे। वो कैसे पता करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट बेटा लिखा है 2x² + 5x + 6 = 0। तो इसमें हम करते क्या है, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। बेटा जो थ्री लाइंस हैं पैरेलल लाइंस, इट्स इन साइन ऑफ कंपैरिजन, स्टैंड फॉर कंपैरिजन, इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू यहां पर आ गया बेटा 2, बी आपका आ गया 5 और सी आपका आ गया 6। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, b² - 4ac, 5² - 4 × 2 × 6, 25 - 4 × 8, 8 × 6 = 48, 25 - 48 -23 नेगेटिव वैल्यू आपकी आ रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे कि डी का हम यूज किस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने में करते हैं। अगली क्लास का आप लोग वेट करें। नमस्कार।